12 जनवरी 1863 पौष मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को पिताजी विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी ने भारतवर्ष को एक अद्भुत व्यक्तित्व की भेंट दी। मुगलों के अत्याचार और उसके बाद अंग्रेजी शासन में भयंकर निराशा में डूबी हुई भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत के निर्वाह के लिए किए गए अथक परिश्रम और कोशिशों के बाद जिन्होंने गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा देकर एक बार फिर से हिंदू संस्कृति का उत्थान किया, ऐसे हमारे स्वामी विवेकानंद जी जीवन तथा वेदों का मर्म सामान्य लोगों को सरलता से समझाने के लिए अक्सर इस कथा का उल्लेख करते हैं। एक शेरनी उसके दो बच्चों के साथ जंगल में घूम रही थी। अचानक से शेरनी को एक शिकार दिखने पर वह उसका पीछा कर भागने लगी और उसके दो बच्चों में से एक बच्चा भी उसके पीछे भागा, पर दूसरा बच्चा पीछे रह गया और परिवार से बिछड़ गया। वह बच्चा अपनी माँ को ढूंढते हुए जंगल के किनारे तक आ पहुंचा और वहाँ एक भेड़ के झुंड ने उसको अकेला देख अपने साथ शामिल कर वह उसे अपने साथ ले गए। वह शेर का बच्चा वहाँ उन भेड़ के साथ ही रहने लगा, उनके जैसा ही खाना खाने और बोलने लगा, उनके जैसे ही आचरण कर बड़ा होने लगा। कुछ साल बाद एक दिन जंगल का एक शेर शिकार के लिए भेड़ के झुंड को घूर रहा था। तब जंगल के शेर ने झुंड में उस भेड़ वाले शेर को भी देखा और वह बहुत ही आश्चर्य के साथ वह भेड़ वाले शेर का निरीक्षण करने लगा। शेर को भेड़ के साथ भेड़ जैसे ही रहता और व्यवहार करता देखकर वो हैरान हो गया और सोचते सोचते जंगल में वापस चला गया। दूसरे दिन वह फिर से आया और फिर से उसने वही दृश्य देखा। उस दिन जंगल के शेर ने भेड़ वाले शेर को बुलाया, तब वह भी दूसरे भेड़ की तरह डर से भागने लगा, पर शेर ने उसे झपट लिया और उससे पूछा, तुम एक शेर हो, भेड़ क्यों बन गए हो? भेड़ वाला शेर बोला, मैं शेर नहीं भेड़ ही हूँ, मैं उसके जैसे ही बोलता हूँ, खाता हूँ और व्यवहार करता। शेर बोला, नहीं तू भेड़ नहीं, शेर हो, जंगल के राजा हो, शेर हो तू, तू दहाड़, गर्ज ना कर, अपनी शक्तियों को पहचान। भेड़ों वाले शेर ने यह सब सुनकर एक बार हिम्मत कर दहाड़ने का प्रयत्न की और तब उसको विश्वास हुआ कि हाँ वह भी यह कर सकता है। जंगल का शेर उसको अपनी वास्तविक पहचान कराने के लिए उसको एक जलाशय के पास ले गया और पानी में अपना प्रतिबिंब दिखाकर कहा कि देख, हम दोनों एक जैसे ही हैं, हम दोनों शेर हैं, हम दोनों राजा हैं। और तब वह भेड़ वाले शेर को ज्ञात हुआ कि वह वास्तव में कौन है। उसी भेड़ वाले शेर की तरह हम भी सांसारिक और भौतिक सुख की माया को परम सत्य समझ उसमें ही लिप्त रहते हैं। खुद वास्तव में कौन है उसका ज्ञान होता ही नहीं, पर जब व्यक्ति वेदों और शास्त्रों के दर्पण में खुद का प्रतिबिंब देखता है, तब वह खुद और असीम शक्तियों से भरपूर ईश्वर दोनों एक ही है उसका अनुभव कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान अंतिम सत्य परब्रह्म की ओर चलने लगता है। पंचतंत्र की ऐसी कथाएं सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, हम सबके लिए है। सिर्फ एक कथा में छुपा हुआ गूढ़ार्थ किसी को भी जीवन दिशा दिखा सकता है और यह कथा इस बात की एक झलक है। यह कथा स्वामी विवेकानंद जी के मुख से कई बार लोगों के मार्गदर्शन के लिए कही जाती थी। इतनी गूढ़ बात और इतने सरल तरीके से भारत की मिट्टी में जन्मे और उसके कण कण का महत्व समझाने वाले स्वामी जी ने सही अर्थ में हमें हिंदू होने पर गर्वित होना सिखाया। आज संपूर्ण भारत हृदय में कृतज्ञता भाव रख उनको नमन करता है।